अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी टॉक्स। मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती, ये आज भी होती है और कई हज़ार साल पहले भी होती थी। गुजरात का नाम इस हवाले से लिया जाता है कि इसके पहलू में दरियाए चनाब बहता है और दरियाए चनाब के पानियों से मोहब्बत की कमोबेश तीन बड़ी कहानियाँ मंसूब हैं, जिनमें हीर रांझा, मिर्ज़ा साहिबा और सोनी महिपाल। ये तीनों कहानियों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दरियाए चनाब के किनारे जन्म लिया। हीर जंग की रहने वाली थी, साहिबा के गांव का नाम खीवा था और वो आज भी दरियाए चनाब के किनारे आबाद है। इसी तरह सोनी का शहर गुजरात। अब तो दरियाए चनाब गुजरात से को 20-25 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन कहते हैं कि उस ज़माने में दरिया गुजरात के पहलू से बहता था। मैं इस वक्त बैठा हूँ सोनी के बाज़ार में और मेरे आप आगे पीछे दाएं बाएं आपको बर्तन नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सोनी के बाप की दुकान जो है वो बर्तनों की दुकान थी। कहानी तब शुरू होती है जब बुखारा का रहने वाला एक अमीरज़ादा जिसका नाम था इज़्ज़त बेग, कहते हैं उसने बाप से इजाज़त ली, मिर्ज़ा आली। उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो अमीर शख्स था, कुछ कहते हैं कि बुखारा का हुक्मरान था। बहरहाल जो भी था, उसने इजाज़त ली कि मैं हिंदुस्तान घूमना चाहता हूँ या हिंदुस्तान की सैर करना चाहता हूँ। शाहजहाँ की हुकूमत यानी मुग़लों का पाँचवा बादशाह शहाबुद्दीन शाहजहाँ, उसकी हुकूमत कहते हैं उस दौर में थी। वो बुखारा से चला और कहा जाता है कि पहले दिल्ली गया। दिल्ली जाकर जो है वो जो उसने दिन गुजारने थे, ताजिर भी था, कहते हैं बहुत पैसा था उसके पास। दिल्ली में उसने अपना वक्त गुजारा और बाद में लाहौर आया। लाहौर आया तो लोगों ने उसे ये बताया कि जी लाहौर के आसपास बहुत से शहर ऐसे हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। कहा जाता है कि वो उसकी वापसी का सफ़र था, यानी उसके साथ तिजारत का सामान तो था ही था, लेकिन वो उसके वापसी का सफ़र था। वो लाहौर से बुखारा जा रहा था, कमाया भी उसने बहुत, सामान ख़रीदा भी बहुत और बेचा भी बहुत। यहाँ दरियाए चनाब के किनारे आकर उसने डेरा डाल लिया और उस ज़माने में दरियाओं पर पुल नहीं थे। दरिया पार करने के लिए दो चीज़ें देखी जाती थी, एक दरियाओं के पार्ट देखे जाते थे कि दरियाओं के पार्ट कितने चौड़े हैं और दूसरा ये देखा जाता था कि उसमें पानी कितना है। तो यहाँ दरियाए चनाब के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि ये ज़मीन खाता है, बहुत सारी ज़मीन ये निगल लेता है और बहुत सारे गांव सफ़े हंसी से उजाड़ देता है। यकीनी तौर पर ज़माने में भी यही सूरत हाल होगी। गुजरात के किनारे पहुँच कर उसने पड़ाव डाला और उसके बाद जो है वो आसपास की बस्तियों में, कुछ कहते हैं सामान बेचने के लिए और कुछ कहते हैं कि सैर व तफरी के लिए, वो निकला। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने ख्वाब में कुछ देखा था, लेकिन ख्वाब का तो मुझे नहीं पता कि उसने ख्वाब देखा या नहीं देखा, क्योंकि लोग कहानियों में लिखने वाले अपनी मर्ज़ी के बहुत से वाक़यात शामिल करते हैं, तो लिहाजा इस दास्तान में किसने क्या शामिल किया मुझे नहीं पता। पर ये कहते हैं कि गुजरात उस ज़माने में आबाद था और ये जगह जो जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, जिसे अब सर्कुलर रोड भी कहते हैं, इसका जो पुराना नाम था वो रामप्यारी रोड था और उससे पहले इसको सोनी का बाज़ार भी कहते थे, क्योंकि यहाँ बर्तनों की दुकानें बहुत सारी हैं। कहते हैं कि वो घूमता घामता यहाँ एक दुकान पर पहुँचा जहाँ बर्तन बनाए जाते थे। उस दुकान के मालिक का नाम था अब्दुल्ला और उसे जो है वो हमारे यहाँ पंजाब में एक रिवायत है नाम बिगाड़ने की, जिसका नाम जावेद रख दिया जाता है, वो ज़िंदगी भर जावेद रहता है, अलिफ जो है वो हम खा जाते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला का नाम जो है वो तुल्ला मशहूर हुआ और उसे जो है वो तुल्ला कुम्हार कह लें या तुल्ला दुकानदार कह लें, कुछ भी कह लें, वो कहा जाता था। वो जब यहाँ पहुँचा, कहते हैं कि जी अपने काम का बहुत माहिर था, कारीगर था और उसे उसके बर्तन भी बहुत पसंद आए, यानी इज़्ज़त बेग को, और उसने उससे बर्तन जब मतलब वो बर्तनों का भाव ताव कर रहा था या बर्तन पसंद कर रहा था तो मतलब उस ज़माने में इतनी गुंजानी नहीं थी। ये कहते हैं कि ये इलाका भी खुला था, दुकान के साथ उसका घर भी था। इसी दौरान जो है वो उसकी बेटी निकल कर दुकान पर आ गई। कहते हैं वो अपने बाप का हाथ बटाया करती थी बर्तन बेचने में या बर्तन बनाने में।
और वो इज़्ज़त बेग बर्तनों की जगह उस लड़की को देखता रह गया जिसका नाम सोनी था। उसके दिल को वो इतनी भाई कि उसने बर्तन तो ख़रीदे ख़रीदे, वापस जब वो अपने खैमे में आया, अपने काफ़िले में आया, तो कहा जाता है कि वो पूरी रात सो नहीं सका। जिधर देखता था वो उसे सोनी नज़र आती थी। लिहाजा अगले दिन वो फिर बर्तन ख़रीदने के लिए पहुंचा और ये उसने बाकायदा अपनी एक आदत बना ली कि वो रोज़ाना बाज़ार आता, बर्तन देखता, पसंद करता और उन्हें ख़रीद कर ले जाता। मकसद उसका सिर्फ सोनी को देखना था, बर्तन ख़रीदना नहीं था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो है वो उसके पास इतने बर्तन जमा हो गए कि अब उसे समझ में आए कि इन बर्तनों का करना क्या है। तो उसने सोनी के करीब रहने की एक और तरकीब सोची और इसी बाज़ार में अपनी दुकान भी खोल ली जहाँ वो बर्तन बेचने लगा। कहा जाता है कि वो महंगे दामों बर्तन ख़रीदता, यानी तुल्ले से बर्तन ख़रीदता महंगे दामों या सोनी से, और सस्ते दामों बेच देता। उसका नतीजा ये हुआ कि जो दौलत वो बुखारा से लेकर चला था वो भी ख़त्म हो गई और यहाँ जो उसने चंद पैसे कमाए थे वो भी ख़त्म हो गए। जब वो कलाश हो गया और सोनी को भी इस बात का अंदाज़ा था कि ये मुझसे मोहब्बत करता है या ये मेरे प्यार में कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उन दोनों की मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। और वो कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो इसी तरह जब मोहब्बतें उनकी शुरुआत होती है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी खुशबू पहले गली में फैलती है, फिर मोहल्ले में, और फिर पूरे शहर को पता चल जाता है कि ये अफसाने कहाँ से शुरू हो रहे हैं। यही सूरत हाल जो है वो सोनी के साथ भी हुई। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि जब वो कलाश हो गया और सोनी के बाप के पास आया तो सोनी के बाप के पास कुछ पैसे भी थी और उसने उसे कहा कि तुम पैसे चराओ और हमारे मुलाजिम बन जाओ, यानी हमारे चाक जो है वो बन जाओ। और वो बुखारा का शहज़ादा सोनी के बाप का मुलाजिम हो गया। उसने बर्तन भी बनाने शुरू कर दिए और जो है वो भैंसें भी चलानी शुरू कर दी। अब भैंसों के मामले में जो दास्तान गो हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि हीर का रांझा भी भैंसे चलाता था और सोनी का जो महिवाल था वो भी भैंसे चलाता था। भैंस को पंजाबी में कहते हैं मही, और इसी वजह से जो है वो इज़्ज़त बेग साहब जो है वो महिवाल के नाम से मशहूर हो गए। बहरहाल उसके बाप को जब पता चला कि ये मेरी बेटी से प्यार करता है तो उसके बाप ने सोनी की शादी कहीं और तय कर दी। न सिर्फ तय कर दी बल्कि कहा जाता है कि उसकी शादी हो भी गई और वो चली भी गई। अब यहाँ दास्तान वो लिखता है कि सोनी ने शादी के वक्त ये दुआ की कि या अल्लाह, मैं तो महिवाल की या इज़्ज़त बेग की अमानत हूँ, मेरी हिफाजत करना। तो कहते हैं कि जब वो शादी होकर गई तो फिर उसका शोहर इस काबिल ही नहीं था कि वो उसके करीब आता, या अल्लाह ताला का कोई करना ऐसा था या दास्तान गो की मर्ज़ी ऐसी थी। जैसे पीलू ने मिर्ज़ा साहिब में बिल्कुल ऐसे ही लिखी है, जैसे वो मिर्ज़ा का बहुत करीबी दोस्त था और मिर्ज़ा हर बात पीलू से पूछ कर किया करता था। जो सबसे पहली कहानी लिखी है मिर्ज़ा साहिबा की, जो मंजूम कहानी है, वो पीलू ने लिखी है। और पीलू बहुत अरसे बाद पैदा हुआ, चकवाल का रहने वाला था। तो लेकिन उसने मिर्ज़ा साहिबा बिल्कुल इसी अंदाज़ में लिखी है कि जैसे मिर्ज़ा हर काम उससे पूछ कर करता था। बल्कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो मिर्ज़ा का पैगाम देकर साहिबा के घर जाता है। तो कुछ ऐसी ही सूरत सोनी महिवाल लिखने वालों ने भी की कि बिल्कुल ऐसे ही लिखा जैसा सारा कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है। तो भारत और शादी होकर चली गई वो, लेकिन उसने दुआ की कि या अल्लाह मेरी हिफाजत करना, शौहर उसके करीब नहीं आया और उसने अपने महिवाल की उसी तरह हिफाजत की जैसे मतलब कोई बहुत मतलब अल्लाह ताला जो है वो करता है। अब महिवाल साहब ने दरिया चनाब के किनारे डेरे डाल लिए, उन्हें शहर बदर कर दिया गया दरिया चनाब के दूसरे किनारे पर, जो इस वक्त एक किनारे पर गुजरात आबाद है, दूसरे किनारे पर वज़ीराबाद आबाद है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि वज़ीराबाद की तरफ उसने डेरे डाल दिए। सोनी साहिबा ने छुप कर उससे मिलना शुरू कर दिया और महिवाल की आदत होती थी कि वो जब भी उससे मिलने के लिए आया करता था, दरिया पार करता, दरिया में से मछली पकड़ता और उसके कबाब बनाकर वो सोनी के लिए लाया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसे कोई मछली वो शिकार नहीं कर पाया और कहा यह जाता है कि उसने अपनी रान से गोश्त काटा और बाकायदा उसका कबाब बनाकर सोनी से मुलाकात के लिए पहुंचा। तो सोनी ने उसे ये कहा कि आज गोश्त का वो जायका नहीं है जो रोज़ होता है,
तो जब उसने ये देखा कि महीवाल के कपड़ों पर खून लगा हुआ है, उसने महीवाल से पूछा कि ये खून कैसा है, तो उसने कहा कि मैंने आज अपनी रान का गोश्त जो है वो काटा है, क्योंकि आज मुझे मछली नहीं मिल सकी, मैंने इसलिए शिकार किया है, मतलब शिकार मुझे नहीं मिला, मैंने इसलिए रान का गोश्त काट कर तुम्हारे लिए कबाब बनाया है। तो दास्तान लिखने वाला ये कहता है कि उसके बाद सोनी ने महीवाल से ये कहा कि तुम मुझसे मिलने ना आया करो, बल्कि मैं जो है वो तुमसे मिलने आया करूँगी दरिया चनाब पार करके। चूँकि वो बर्तन बनाती थी और जो है वो शादी के बाद भी उसका शोभा या पेशा नहीं बदला और वो बर्तन ही बनाती रही, लिहाजा उसने एक घड़ा लिया और वो घड़े पर तैर कर दरिया चनाब पार करती। दरिया चनाब अगर आपने देखा हो तो उसका पार्ट अब भी बहुत चौड़ा है, बल्कि मैं आपको जो है वो ड्रोन की फुटेज में भी दिखाता हूँ, अच्छा खासा उसका चौड़ा पार्ट है और उस ज़माने में भी इतना ही जो है वो बड़ा दरिया होगा यकीनी तौर पर, लेकिन वो घड़े पर तैर कर दरिया पार करती और महीवाल से मिलकर वापस आ जाती। ये सिलसिला कितना अरसा चलता रहा ये तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि उसकी नंद को इस बात का पता चल गया कि उसकी भावज हर रात घर से गायब हो जाती है, घड़ा लेती है, एक दरख्त की ओट में जो उसने छुपाया हुआ था वो घड़ा लेती है और उठाकर अपने महबूब से मिलने जाती है और फिर वो वापस आकर घड़ा वहीं छुपा देती है। एक रात उसने ऐसा किया कि उसने वो घड़ा बदल दिया और कहते हैं कि वो पक्के घड़े की जगह उसने कच्चा घड़ा उस जगह रख दिया। कच्चा घड़ा जो है वो ये मेरे पास जो है वो एक घड़ा रखा हुआ है, ये घड़ा है इस तरह का घड़ा, इसके ऊपर वो मतलब पानी में डाल दिया करती थी और इस घड़े में सवार पर सवार होकर वो दरिया पार किया करती थी। जब घड़ा बदला गया तो वैसे तो कुछ जो तहकीक करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर तो वो वाकई बर्तन बनाने वाली थी तो उसे घड़ा हाथ में पकड़ते ही पता चल जाना चाहिए था कि घड़ा पक्का है या कच्चा, लेकिन अगर उसे पता नहीं भी चला फिर भी उसने अपने महबूब से मिलने की खातिर वो घड़ा पानी में डाला और वो ज़ाहिर है कच्चा घड़ा तो पानी में नहीं तैर सकता, वो थोड़ा सा आगे गया और वो घड़ा पंजाबी में कहते हैं खुरने लगा, यानी उसकी जो मिट्टी है वो ख़त्म होने लगी और उस जगह सोनी और घड़े में एक मुकालमा होता है। वो मुकालमा आपको सुनाते हैं कि सोनी ने घड़े को क्या कहा और घड़े ने जवाब क्या दिया, क्योंकि सोनी को ये पता चल चुका था कि घड़ा तब्दील हो गया है और ये कच्चा घड़ा है, पक्का घड़ा नहीं है। वो मुकालमा सुनवाते हैं और फिर आपको बताते हैं उसका अंजाम क्या हुआ। एक दिन सोनी अटक दंदे ते ए फो पई पुकारे किकण मिला महीवाल नू कड़िया दरिया पिया ठाठा मारे तू रात अंधेरी ते कोई बदल बरसे ओ नाले बिजली दे चमकारे ऐसी लहर इश्क दी आवे मियां गड़िया जड़ी ले जाए पार कनारे। ये किंग नहीं तैयार होई पिछू उस रात चना दा रंग होनी कैर कपड़ा कड़ कड़ राम दिए ओ गजा पहनिया पतला शोर पाया जिंद वेखिया नक नू आम दिए से जी सुतड़े आल दी जान देने जी में शौंदर ठिल जाम दिए ओए ओए सुहात खाली दर्दा जान गाली वाला पार पाया गोते खाम दिए ओ किचरक तीक ते घड़े दी ओट आई तरदी जाम दी नाम ते आम दिए दाम दस ख्याल दे नाल सोनी घड़े नाल की झगड़ा लाम दिए मैनू पा लगा दे
ने तो खैर जो जवाब दिया वो आपने भी सुन लिया, और जो है वो सोनी पार भी नहीं उतर सकी, दरिया की मौजें तेज़ थी, पानी बहुत ज़्यादा था, और बिलाखिर ये हुआ कि घड़ा भी डूब गया और सोनी भी डूब गई। महिवाल ने दरिया के शोर में, कहते सैलाब आया हुआ था, बहुत ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ था, महिवाल ने सोनी की चीखें सुनी, और जब उसे ये पता चला, पहले उसने कोशिश की अपनी महबूबा को बचाने की, लेकिन जब वो नहीं बचा सका तो कहा जाता है कि उसने खुद भी दरिया चनाब पे छलांग लगा दी और दोनों दरिया में बह गए। उसके बाद उनकी लाशें यहाँ से बहुत दूर एक जगह है शहजादपुर, सिंध का एक इलाका है। अच्छा, यहाँ ये मैं बता दूँ कि पहले भी और अब भी दरिया चनाब और दरिया झेलम कुछ दूर जाकर जो है वो एक हो जाते हैं, दरिया रावी इनमें मिल जाता है, और फिर ये जो है वो पंजनद के मकाम पर ये जो पांच दरिया, जो पंजाब के पांच दरिया हैं, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ये पांचों के पांचों दरियाओं पंजनद के मकाम पर जो है वो जाकर मिलते हैं, और वहाँ से फिर एक दरिया पंजनद शुरू होता है जो कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध में जा मिलता है। तो इन दोनों की लाशें बहती हुई चनाब से वहाँ दरियाए पंजनद में पहुँची, फिर दरियाए सिंध में पहुँची, और शहजादपुर एक कस्बा है वहाँ उसके करीब इन लाशों को दरिया ने उगल दिया। पानी के बारे में वैसे भी ये कहा जाता है, ख़ासतौर पर समंदर के पानी में के बारे में, क्योंकि खारी पानी होता है कि वो इंसानी जिस्म को यानी मुर्दा जिस्म को बहुत ज़्यादा देर तक अपने अंदर रखता नहीं, फेंक देता है, लेकिन दरियाओं का पानी चूँकि मीठा होता है लिहाजा ये बात दरियाओं के पानी पर सादिक नहीं आती। खैर, वो दोनों लाशें जो है वो वहाँ पहुँची दरिया किनारे, लोगों ने देखा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ से उनके ख़ानदान के लोग गए, उन्होंने पहचाना कि ये सोनी है और ये महिवाल है, और उन्हें वहाँ दफन कर दिया गया। इस बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं कि दोनों को एक कब्र में दफनाया गया, लेकिन शरई तौर पर ये चीज़ जायज़ नहीं कि मर्द और औरत को एक कब्र में दफन किया जाए। कुछ लोग कहते हैं उनकी नीचे कब्रें अलग अलग हैं, सिर्फ तावीज़ एक बना हुआ है। मदार बहरहाल सोनी का और महिवाल का दोनों का मौजूद है शहजादपुर में। लोग जाते हैं, मोहब्बत करने वाले वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ भी पीरों फ़कीरों के मज़ारों की तरह मन्नतें मानी जाती हैं, महबूब महबूबाओं को पाने के लिए धागे भी बांधते हैं, दुआएं भी करते हैं, चादरें भी चढ़ाते हैं, और सारा कुछ ही होता है। उसके बाद सोनी महिवाल पर बहुत सारी किताबें नज़्म में भी लिखी गई, नसर में भी लिखी गई, बहुत सारे लोगों ने इसे अपने अपने अंदाज में बयान किया, लेकिन कहानी का खुलासा यही है कि एक थी सोनी और एक था महिवाल, और उन दोनों में मोहब्बत हो गई। वो मोहब्बत जो आज हर गली मोहल्ले में है, ऐसा नहीं है कि गुजरात शहर में मोहब्बत करने वाले सिर्फ सोनी महिवाल थे और कोई मोहब्बत करने वाला पैदा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। गुजरात शहर में मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं, लेकिन जिस दास्तान का अंजाम, हमारी एक इंसानी फितरत है कि जिस दास्तान का अंजाम ट्रेजेडी पर हो यानी गमगीन हो, वो कहानी हमें याद रह जाती है। उसकी एक मिसाल मैं दूंगा कि हीर की कहानी हाफिज़ बरखुदार ने भी लिखी, लेकिन उसने हीर की शादी कराई, बच्चे पैदा कराए, हज कराया, वो किसी को याद नहीं, लेकिन वारिस शाह की हीर सबको याद है। इसी तरह अगर सोनी दरिया चनाब में ना डूबती तो इस तरह की कई सोनियाँ आज भी जो है वो मुख्तलिफ शहरों में पाई जाती हैं, कोई सोनी महिवाल की कहानी को याद ना रखता। सोनी सिर्फ इसलिए याद रह गई कि दरिया चनाब उससे निकल गया, वरना मोहब्बत हर इंसान की सृष्टि में शामिल है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की मोहब्बत के सदक़े इस कायनात को बनाया, और मोहब्बत इस कायनात का बुनियादी जुज़ है, लिहाजा ये हो नहीं सकता कि किसी शख्स के दिल में मोहब्बत के जज्बात ना हो। सोनी सिर्फ इसलिए याद रही कि वो दरिया चनाब में डूबी, अगर दरिया चनाब में सोनी ने डूबती तो आज उसे याद करने वाला भी कोई ना होता। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैनू पार लंघा देवे घड़िया मिल।